हमारे विद्यालय में 10 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया था 25 मई से आज तक। इसमें 8 प्रकार की विधाएं बच्चों ने अपने रुचि के अनुसार चुनी और उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें 257 भैया बहनों ने भाग लिया और आज इस कैंप का समापन समारोह है और इन 8 प्रकार की विधाओं की सूक्ष्म झलकियां आप सभी के सामने आज प्रदर्शित की जाएगी। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले मैं स्वागत और परिचय के लिए राजेश जी को आमंत्रित करती हूँ। ज्ञान दायिनी माँ शारदे, सम्मानित मंच पर उपस्थित अतिथिगण तथा समस्त आचार्य आचार्याएं तथा भैया बहनों, आज हम यहाँ पर समर कैंप के समापन समारोह पर उपस्थित हुए हैं। जो अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं उनका परिचय इस प्रकार है। मंच पर जो सबसे दाईं तरफ बैठे हैं श्रीमान रमन चावला जी, हमारे विद्यालय में पिछले 9 वर्षों से भाई साहब विद्यालय प्रबंध समिति के प्रबंधक पद पर कार्यरत रहे और वर्तमान में भाई साहब उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। भाई साहब एजुकेशन से बीटेक हैं और व्यवसाय से एक बिजनेसमैन हैं। इनकी भाई साहब की एक फैक्ट्री स्नेह रमन इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 11 में उपस्थित है, जो ट्रांसफॉर्मर व पावर बैकअप के विभिन्न उपकरण बनाती है। भाई साहब का बिजनेस बांग्लादेश तक फैला हुआ है। भाई साहब का बहुत सरल व्यक्तित्व है और उनके कार्यकाल में विद्यालय ने अथक प्रगति की है। चाहे इस हॉल का निर्माण हो, फील्ड में बहुत सारे जो स्वास्थ्य संबंधी व्यायाम संबंधी उपकरण हो, अटल टिंकरिंग लैब हो, रोबोटिक्स का जो है फील्ड में टेक्निकल जो बच्चों को सिखाया जा रहा है, तो इन सभी के लिए भाई साहब का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उनका स्वागत करने के लिए श्रीमान कृष्ण पाल शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। उसी क्रम में आगे श्रीमान रजनीश जी, जो पेशे से सीए हैं, भाई साहब का निवास स्थान सेक्टर 11 में है और वो भी पिछले 6 वर्षों से कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। अभी वर्तमान में वो व्यवस्थापक पद पर कार्यरत हैं। मैं उनके स्वागत के लिए पीयूष जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। भाई साहब सीए हैं, सीए चार्टर अकाउंटेंट, जो हमारे कॉमर्स के छात्र हैं वो यहाँ पर कॉमर्स लेते हैं, तो वो सीए के एक दिशा करने के लिए उसमें कदम रखते हैं। तो सीए काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है, बहुत सारे इसमें पेपर्स होते हैं जो उन्हें क्लियर करना होता है। और जो साइंस वाले हैं वो बीटेक, जो भाई साहब हमारे रमन चावला जी हैं। तो हमारी जो टीम है ये एक तरह से एजुकेटेड विद्यालय प्रबंध समिति बहुत एजुकेटेड है, जिसका हमें मार्गदर्शन मिलता है। उसी क्रम में आगे डॉक्टर सुनेत्री चौहान जी, जो पेशे से डॉक्टर हैं और डॉक्टर साहब का जो क्लिनिक है वो सेक्टर 56 में है, निवास स्थान भी 56 में है। और जैसे आप जानते हैं कि डॉक्टर तो जो है एक दूसरे भगवान होते हैं और वो किसी भी जो मरीज है जब वो ठीक हो जाता है तो आप डॉक्टर की जो पोजीशन है उससे आप पूछिए। तो कोरोना के दौरान आपको पता होगा डॉक्टरों को भगवान कहा पहले भी कहते हैं। तो मैं उनका स्वागत करने के लिए श्रीमती राज शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और डॉक्टर सुनेत्री चौहान जी का स्वागत करने की कृपा करें। मंच पर उपस्थित आदरणीय अतिथिगण, आचार्य मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 10 दिवसीय समर कैंप का आयोजन का समापन दिवस है और जिसमें मैंने नृत्य कला को बच्चों को दिया और उसमें करीबन 35 स्टूडेंट्स ने भाग लिया
और करीबन 6 सॉन्ग्स पर उन्होंने नृत्य कला को सीखा, जिनमें से कुछ सूक्ष्म झलकियां बच्चे प्रदर्शन करते हैं। धन्यवाद। Thank you.
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति के बाद अब मैं दीपक जी को अंग्रेजी भाषा ज्ञान वाले ग्रुप ने जो विशेष अपनी कला सीखी उसकी झलकी प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग टीचर एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन स्टे प्रॉपर्ली, कीप योर बैकबोन स्ट्रेट, योर बॉडी लैंग्वेज, योर पोस्चर शुड बी वेरी वेरी पॉजिटिव। राजेश सर रिसेंटली टोल्ड यू सम वंडरफुल डिग्निटरीज, दे आर एट द पोडियम राइट नाउ, सो यू हैव टू गिव अ वंडरफुल मैसेज दैट हाउ एक्चुअली ऑल द पीपल रिएक्ट। वेल ड्यूरिंग द समर कैंप आई वाज एन इवैल्यूएटर इन बोर्ड एग्जामिनेशंस, सो आई कुड नॉट असिस्ट मच। आई वाज हियर फॉर 5 डेज बट दिस वाज रियली अ टेरिफिक एक्सपीरियंस। ऑल द टीचर्स कंट्रीब्यूटेड, particularly Devlok ji, Rajni ma'am and Sarita Ghosh ma'am. This was really an amazing experience. There were so many students who were not able to deliver even single sentences, but they were doing some outstanding jobs and I really enjoyed being with them. We conducted multiple activities including interview sessions, group discussion, presentation and many more. So in 10 days, it is really a Herculean task to teach each and everything, but daily a session of 90 minutes, it was simply brilliant, outstanding, and we all the people really enjoyed. We had a ball. Today, so many people insisted, sir, we want to come at the podium, but we have picked 4 from here, so they will come, they will speak something. After that, one activity will take place. What is that activity? These all the people are going to tell you. So I would like to call at the podium Mansha and Mayank. So give a big round of applause for them. Respected Principal Sir, Teacher and my dear friends, I am Shubham Kumar from Class 9E. We attend the English summer camp. And this was a beautiful experience. We had so many wonderful experiences. We enjoyed a lot. We were taught by so many teachers. Such as Deepak Sir, Sarita Ghosh Ma'am, Rajni Ma'am and Devlok Sir. We would like to call at the podium Shreyadidi and Anjali, Gitanjali. Good morning everyone, my name is Gitanjali. Good morning everyone, my name is Shreya. And we are from 10C. So we would like to tell you what we did in our previous days. So we did so many activities like grammar, presentation, role play and interview, and we had so much fun. So Shreya, I would like to know what is your experience? My experience is very amazing with all the teachers. All teachers are so nice. And I love to study with them, and I like to invite can I conduct activity with you? Yes, but it will be so fun. So I would like to invite all the students of our camp along Sarita Ghosh ma'am and Rajni ma'am to assist them. So we would like to invite one and only Devlok sir to the podium to face interview. Thank you. Good morning to everybody. The guests present on the stage and all my colleagues and my dear students. So we'll have to face the difficult questions that the students have learned during English summer camp. Well, now this is going to be an interview and these all the people are going to ask a question to Devlok ji. I hope you will enjoy the session. Don't be nervous, relax. So myself, Devlok Anand, teaching in this school since 2013. So it was a wonderful experience in this school with the students and with the management also. What is your family background? So in my family, I have a mother, an elder brother, my wife and 2 children, and we live happily together. Sir, why did you choose this profession? So this profession, you know, it is one of the most loved profession in the world, and in order to assist my country and the future of the nation, I have chosen this profession. Sir, what are the qualities of required to be a good teacher? So to be a good teacher, it is very important to be punctual, dutiful and workaholic. Sir, how do you pass your free time? So I usually pass my free time doing my hobbies, that is reading books and listening to music sometimes. How do you learn English? So I learn English from my father and my respected teachers who used to teach me greatly. What is your strength and weakness? So everybody has got a strength, and my strength is concern, and discipline and my weakness is that sometimes I do beat a lie. Where do you hail from? I hail from Patna, the capital city of Bihar. What is your favorite food? My favorite food is rice and pulses. Who is your favorite teacher in this school and why?
So it's a very difficult question to answer since all my colleagues are very wise and beautiful. But if you have asked a question, I must say the name of my favorite colleague Deepak sir, and he's one of my favorite teacher who always provides me a kind of source of inspirations and motivations to guide the students. What did you learn from early principal Keshav Sharma sir? So it's also a difficult question to tell. So we all of us have learned a lot from the ex-principal sir, Mr. Keshav Sharma sir. He was dutiful, he was workaholic, he was moreover very disciplined person, and he guided us well and he made us learn everything what I should say. So what do you want to improve in this school? So nothing special ma'am, as we said that this is a school which is managed by our scholars, managers and vice managers, and everyone teachers are very wise enough to teach the pupils. So I think a little improvement in the field of spoken English must be encouraged among the students, and that would be wise step. Something special which you learned from this school? Definitely it was discipline to be learned every time, and to be how do we punctual, that is also very important. And how should we behave to our colleagues and our students? So I rate my colleagues giving them 10 out of 10, and to my students I will also give 10 out of 10, and to the management I am very grateful. Thank you. Sir, I would like to ask you, who inspired you to be a teacher? So it was my father and mother, from where I got the inspiration of to be a teacher. They always told me that do something for the nation, do something for the country, and do something for the society. And this honestly inspired me to be a teacher. Okay, so what is your success mantra for the students, if you give them any tip regarding success, to achieve success in their life? So always speak the truth, be on the right path, be self-disciplined, and manage your time in a very good way, and that is the success mantra. I would say it was an amazing experience for all of us to having an interview with Mr. Devlok sir. And for the further presentation, I hand over microphone to Mr. Deepak Sharma. Thank you so much, sir, and thank you so much, sir. Devlok ji was absolutely outstanding. So give a big round of applause for Devlok ji. And of course, the wonderful kids. They are really wonder kids. They were quite nervous before coming here. They were actually performing very nice in the class. But when they came over here, they were trembling, shaking, right? The girl was coming and she was saying to me, "Sir, mujhko dar lag raha hai, samne baithe baithe." So there is no need to get any kind of panic. And I want to tell you that yesterday we conducted one activity where more than 7 teachers visited our class, and the interview of each and everyone were taken by these wonderful kids. This was really a fantastic session. I would like to request right, Raman sir, Rajneesh sir and Sunitri ma'am, that one day we all the teachers would like to conduct this session, because we know that Raman sir is there, but we don't know what actually Raman sir is. So one day we would like to conduct one interview of you all the people, so that we can get to know about you all. With your kind permission sir. Chaliye, sir said yes, so sir ke liye bhi baja de ek baar. Thank you so much. Now over to Keerti ma'am. Aap main Sarita Bharti ma'am ko bulana chahungi. जिन्होंने वैसे उनकी जो एग्जीबिशन है वो आप नीचे देखेंगे, और आज उन्होंने इतने दिन में 10 दिन में क्या सीखा, दो बच्चे और मैम आपको बताएंगी। उसके बाद जो शारीरिक वाले बच्चे हैं वो तैयार हैं और यहाँ आ जाएं आगे, ताकि समय की बचत हो सके। ज्ञान दायिनी माँ शारदे, मन पे उपस्थित अतिथिगण, वह मेरे प्यारे भैया बहनों, जैसा कि सभी को पता है कि मेरा क्रिएटिव क्लब है, और क्रिएटिव क्लब में बच्चों ने इस बार पूरे 10 डेज में जो है वेस्ट मटेरियल्स का यूज़ ज़्यादा सीखा, और उन्हें ऐसी चीज़ें ज़्यादा बनवाई गई, मैंने वैसी चीज़ ज़्यादा बनवाई जो उनके डेली यूज में काम आ सके। जैसे 10 डेज में बच्चों ने 10 चीज़ें बनाई, जैसे पेपर वेट बनाए हैं जो आपके यूज़ होता है, आप कोई भी बुक पढ़ते हो पेपर उठता है या ज़्यादा हवा चलती है तो आप उसे पेपर वेट रख सकते हो, ठीक है। बुक मार्क बनवाया, पेस्ट बुक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल होती है उसे पेंसिल पाउच बनवाया बच्चों से, लिपर आर्ट बनवाई, गुजरात की फोक आर्ट है इस पे काम किया बच्चों ने, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ बनाई है, और भी ऐसे हैंड फैन बनाए हैं, ठीक है। मेहंदी लगाना सीखी बच्चों ने, देर आज इनका रंगोली भी था, और बहुत से ऐसे वर्क है इस समर कैंप में, बच्चों ने तो वर्क किया ही किया था, मैं भी साथ में एक्स्ट्रा वर्क कर रही थी समर कैंप में, मैंने भी लगातार एक हफ्ते अपना एक्स्ट्रा टाइम देके मैंने भी एक सरस्वती माता जी की पेंटिंग बनाई है, वो भी नीचे डिस्प्ले में लगी हुई है। तो आप जब यहाँ से फ्री होकर नीचे जाएंगे तो एग्जीबिशन
हुआ है, तो मैं आर्ट्स के विषय में हूँ और मैंने वहाँ पे पेपर वेट बनाना सीखा, हैंड पेन सीखा, ज्योमेट्री बॉक्स सीखी है, फ्लावर सीखे, बुकमार्क सीखा और रंगोली सीखी है, मेहंदी की डिज़ाइन सीखी है, ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी है, तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आया। धन्यवाद। मेरा नाम कीर्ति यादव है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। दीदी ने बताया कि क्रिएटिव क्लब में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, उनमें से पेपर वीट, पैटर्न, मोबाइल स्टैंड, हैंड फैन, बुकमार्क, ग्लिटर फ्लावर, पेन स्टैंड, लीव्स, रिबन फ्लावर, मेहंदी, 3D स्केच और रंगोली। वन स्टार करो। और उसके बारे में बताने के लिए आशा जी और रविकांत जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। मंदिरी माँ शारदे, उपस्थित अतिथिगण और मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जो समर कैंप था इसमें मैक्सिमम बच्चे जो है 140 आए और मिनिमम 120 हर रोज। मिनिमम जो बच्चों की संख्या रही वो 120 रही। तो खेलेंगे तो खिलेंगे, खेलेंगे तो खिलेंगे, खिलने के लिए खेलना है जरूरी। नए भारत के संकल्पों को मिली नई ऊर्जा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को विकसित करने के लिए हमें अपने तरीकों को लगातार बदलना होगा, जिससे अंतर्राष्ट्रीय खेलों के साथ हम अपने पारंपरिक खेल भारतीय खेलों को नई पहचान दे सके। भारत में खेल को संस्कृति का हिस्सा बनाने पर जोर दिया जा रहा है, यह शब्द देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर उपहार स्वरूप प्रदान किया गया, जिसे नई शिक्षा नीति ने मान्यता प्रदान की। इसी दिशा में प्रथम पहल हमारी भारतीय विद्या भारती द्वारा लाई गई, जिसके प्रति छाया विद्यालय में समर कैंप के रूप में प्रदर्शित की जा रही है। भय दुख शोक का खेल है उपचार, काम क्रोध रोग का खेल है निदान, मोक्ष मुक्ति की जगह बस खेल का मैदान, स्वस्थ तन मन काया की खेल ही है परिणाम। आज हमारे जो भैया बहनों ने पूरे 10 दिन में जो सीखा है वो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। सबसे पहले एथलेटिक्स, we'll be right back.
एक जैपनीज कला है जूडो का, होता है द जेंटल गेम, यानी जेंटल गेम कहलाता है जो है, जो है, और कोई जैपनीज कला नहीं है। संसार में जितनी भी युद्ध कलाएं गई है वो सारी भारत से गई है। आज अगर हम साउथ में जाए तो वहां जो शुरुआत वो कलरी पैटी से होती है, और बॉडी धर्मन यहाँ से चाइना गए थे अपने सारी कला को लेके, और अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है, फिर कराटे, सेवाटे, आईकिडो, जूडो, ताइक्वांडो, अलग 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 नाम से जानी जाती है। मूलतः ये जैपनीज कला है, यानी कि जैपनीज खेल है, वहाँ का नेशनल खेल है यहाँ पर, और एक कुश्ती है एक तरीके से कह रहे, जिसे जैपनीज कुश्ती भी कहते हैं, और कुश्ती हमारी ही देव है पूरे संसार को कहते हैं। आज भी कंबोडिया के अंदर कई ऐसे जगह मिलते हैं जहाँ पर हनुमान जी की पूजा होती है, और कहते हैं कि हनुमान जी स्वयं वहाँ कुश्ती सिखाने गए थे। तो कुश्ती का ये प्रारूप है जब जूडो जो है, तो आपके सामने जूडो की कुछ जनता आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले रोलिंग है, क्योंकि कमर मजबूत होनी चाहिए, जब भी थ्रो होती है तो कमर पे लगती है, तो आपकी कमर आपकी इसके लिए मजबूत होनी चाहिए, आपकी इसके लिए रोलिंग कराई जाती है। इसके बाद टाइगर जंप एडवांस लेवल का है, ये जो है जब एडवांस में जाते हैं तब टाइगर जंप होता है यहाँ से, चलो लगते जाके स्टार्टिंग से। जब से हमारे स्टार्टिंग में इतना कुछ हम खास खेल नहीं पाते थे, हमारे रवि सर थे
उन्होंने हमें वॉलीबॉल खेलने में बहुत इंप्रूवमेंट दिलाई। स्टार्टिंग में हमें बॉल प्रैक्टिस कराते थे, पहले तो हमें लगता था बॉल प्रैक्टिस खराब है हमारे, बस हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है उसमें, लेकिन बाद में हमें पता पड़ा कि उसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा था। बॉल प्रैक्टिस से हमें जितना इंप्रूवमेंट पता पड़ा उतने जो नए बच्चे आए उन्होंने नहीं करी बॉल प्रैक्टिस, उनमें इतना इंप्रूवमेंट नहीं पता पड़ रहा। अब हमारी स्पोर्ट्स से बस हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेंथ पे भी फर्क पड़ता है, बहुत इंप्रूवमेंट आता है जो हमारे में बताया है, और न्यूरो मस्कुलर हमारा बहुत इंप्रूव हुआ है। स्पीड तो हमारी रनिंग की स्पीड भी बहुत इंप्रूवमेंट आया, और एंड्योरेंस लेवल जो बिल्ड हुआ हमारा वो भी बहुत हुआ। ये सब कार्यक्रम की झलकियां देखकर ऐसा लग रहा है और आज महसूस हुआ कि फिजिकल में इतने सारे बच्चे क्यों चले गए, सबके दिल दिमाग शरीर में जोश भर दिया सब बच्चों ने। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने गायन की प्रस्तुति आपके सामने बच्चे प्रस्तुत करने के लिए अमित जी को मैं आमंत्रित करती हूँ और उसके बाद दया जी तैयार है। आप सभी को नमस्कार। उपस्थित सम्मानित अतिथि महोदय भैया बहनों, संगीत जैसा आप जानते हैं गायन वादन और नृत्य तीनों को मिलाकर संगीत कहते हैं। अगर आपने बड़ा अच्छा गीत गाया और किसी ने बड़ा अच्छा तबला बजा दिया तो ये नहीं कहेंगे कि संगीत बड़ा अच्छा हुआ, गायन वादन अच्छा हो गया। संगीत तभी होगा जब तीनों विधाएं मिले आपस में। नृत्य आपने भी देख लिया, हमने तीन डिवीजन इसके किए थे इस प्रशिक्षण वर्ग के, तो अभी केवल वादन की प्रस्तुति भैया बहन करेंगे, उसके बाद गायन के साथ वादन की प्रस्तुति होगी और उसके बाद दो देशभक्ति गीत हमने कराए थे उसमें से एक गीत भैया बहन प्रस्तुत करेंगे। अभी केवल ताल संगम आप देखेंगे जिसमें केवल वाद्य यंत्र भैया बहन, हालांकि इस शिविर में जो मुख्य बच्चे थे संगीत वाले उन्होंने मुझसे पहले कहा कि सर 10 दिन की बात है मैं डांस करना चाहती हूँ, मैं गेम में जाना चाहती हूँ, क्या ले लूँ भाग। मैंने कहा कि आप ले लो, तो ये बिल्कुल नए बच्चे कुछ बैठे हुए हैं, कुछ त्रुटियाँ संभव हैं लेकिन इनके मेहनत पर ध्यान देंगे आप, त्रुटि को नहीं नज़रअंदाज करेंगे।
के बाद अब हम सभी जो है क्या सुधार के लिए जो बच्चों ने ठीक किया है सुधार उसके बारे में बताऊंगा मैं। सुप्रभात आदरणीय हमारे सम्मानित अतिथिगण, शिक्षकगण, भैया बहनों, आज आपके समक्ष भैया बहनों ने इस 10 दिन समर कैंप में किस तरह की अशुद्धियों को ठीक किया। हालांकि ब्लैक बोर्ड होता तो बच्चे लिखते, लेकिन उच्चारण संबंधी अंग्रेजी, हिंदी और गणित, इन तीन विषयों में भैया बहनों ने अपने आप का विकास किया है। गलतियां सभी करते हैं, लेकिन भैया बहनों ने थोड़ा प्रयास करके आपके समक्ष अच्छी प्रस्तुति करना चाहते हैं। इसमें हमारे आचार्य सैदा घोष जी, शिखा जी, श्रवण जी, इन तीनों ने बहुत मेहनत की है और भैया बहनों को तैयार करवाया है। आप सभी से आशा है कि आप सभी ध्यान से सुनिए। तो पहले तन्मय भैया, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वह वर्ण कहलाते हैं। इस स्वरों का उच्चारण इस प्रकार है, अ आ ई ई उ ऊ री ए ए ओ औ अं आ। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वह व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के व्यंजन की संख्या 33 है। व्यंजन का उच्चारण इस प्रकार से है, क ग ग घ अंग, च छ ज ज ञ, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ, य र ल व श क्र ज्ञ ह। धन्यवाद, आपका दिन शुभ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स एंड गेस्ट। आई एम प्रेजेंट द माई सेल्फ। My name is Lakshya Bhatt. I am 11 years old. I am studying Bhagavadevi Saraswati Vidya Mandir. I am reading class 6th C. My father name is Sandeep Bhatt and my mother name is Sunita Bhatt. My father is electrician and my mother is housewife. We are 3 member in my family. I want to become a doctor. Thank you. अब मैं आपके सामने आमंत्रित करती हूँ अक्षय सर को। आप देख रहे होंगे हमारी अटल लैब, आप लोगों ने सभी ने देखी होगी। उसमें इन्होंने बहुत सारे कारनामे किए हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं। जैसे कि हमें बताया था हमारे स्कूल में 10 दिन से समर कैंप चल रहा था, जिसमें बच्चों ने अलग अलग तरीके के स्किल सीखे। इसमें हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हेल्प से बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई, जिसमें रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैम्प्स और उसके हेल्प से बनने वाले गैजेट सेंसर्स के बारे में बताया। सेंसर्स, गैजेट और रोबोटिक्स के यूज़ कर रहे बहुत सारे बच्चों ने जो हमारे कैंप में थे, उन्होंने कुछ डिवाइस और गैजेट बनाए जिनको सर और बच्चे अभी खेल रहे। सबसे पहले हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे हाइट मेजरमेंट डिवाइस। यहाँ पे देखते हैं कि आप आर्मी में कई लोग की सिलेक्शन होती है तो वहाँ पे आपकी लंबाई मेजर की जाती है। तो कैसे मेजर की जाती है आपको मालूम होता है कैसे? यहाँ पे मैंने एक डिवाइस बनाया है, बच्चों ने बनाया है, सारे बच्चों ने मिलकर बनाया डिवाइस, हाइट मेजरमेंट डिवाइस। जैसे ही उसके नीचे अगर कोई भी आता है तो उसकी हाइट बता देती है। उसमें क्या लगा है, एलसीडी स्क्रीन लगा है, आर्डिनो लगा है और बस एक बैटरी लगी है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है। भारतीय सरस्वती विद्या मंदिर में मैं क्लास 9th में पढ़ता हूँ। हम समर कैंप के माध्यम से हमारे स्कूल में कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, जिनमें से हाइट मेजरमेंट डिवाइस है। उसके हाइट मेजरमेंट डिवाइस के नीचे अगर कोई भी खड़ा रहता है तो उसकी एग्जैक्ट हाइट एलसीडी स्क्रीन पर दिखा देता है। अब बात करते हैं बना कैसे है, तो ये सबसे पहले इसमें अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा है जो कि हमारी हाइट मापेगा और सीधे एलसीडी स्क्रीन को कमांड देगा, वो हमारी हाइट शो कर देगी। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे इसका यूज जल्दी से काम करने में हो सकता है। जैसे कि हमारे स्कूल में फिजिकल टेस्ट होते हैं, इसे लगा देंगे, एक एक बच्चा आके अपनी हाइट नाप के चले जाएगा, एग्जैक्ट हाइट बताएगा बिल्कुल भी। अब इसकी मेजरमेंट, जैसे कि हमने हाइट मेजरमेंट डिवाइस लगाई है 180 सेंटीमीटर की ऊपर लगाई है, जो भी इसके नीचे खड़ा होगा 180 सेंटीमीटर में से हाइट माइनस करके उसकी एग्जैक्ट हाइट कैलकुलेट करके बांट रहा देगा। मैं सुमित्री मैम से कहना चाहता हूँ कि वह हाइट मेजर करके दे। ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा,
जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे इसके सामने कोई भी गाड़ी जो कोई भी ऑब्जेक्ट उसके सामने लाता है अल्ट्रासोनिक सेंसर के आगे, उसमें वो डाल देता है, फिर उसके बाद ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है। और इसमें अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सामान लगे हैं। सबसे पहला अल्ट्रासोनिक सेंसर, आर्डिनो और बैटरी और कुछ जम्पर वायर। धन्यवाद। सरस्वती विद्या मंदिर पटना हूँ तथा मैं कक्षा नवम बारह का छात्र हूँ। हमारे स्कूल में समर कैंप लगे, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कई इनोवेटिव प्रोजेक्ट बनाए, जिसमें से एक है ब्लूटूथ मॉड्यूल का। इसकी खासियत ये है कि इसके चलाने के लिए कोई रिमोट की जरूरत नहीं है, ये आपके मोबाइल से ब्लूटूथ से कनेक्ट होकर चल सकता है। इसके कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करें तो एक आर्डिनो मोटर कंट्रोलर, ब्लूटूथ मॉड्यूल और बैटरी। आर्डिनो ये है जिसमें आप अपने कोड को, कोडिंग होती है ना, उसको अपलोड कर सकते हो। मोटर कंट्रोलर वो है जो आपके मोटर को कंट्रोल देता है कि कब आगे जाना है, कब पीछे जाना है, कब लेफ्ट जाना है, कब राइट जाना है। और जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वही आपको मोबाइल से कनेक्ट करवाता है। तो आपको मैं ये चला के दिखाता हूँ। इसको चलाने के लिए एक ऐप की जरूरत होती है, ब्लूटूथ आरसी कंट्रोलर, जिसका इंटरफेस आप यहाँ देख सकते हैं। हम चाहते हैं एक बार रिवर्स भी ट्राई कर सकते हैं। ये वाटर इरिगेशन सिस्टम है, ठीक है। गर्मियों के मौसम में आप देखते हैं कि प्लांट सूख जाते हैं, तो एक ऐसा सिस्टम है जिससे जैसे ही प्लांट सूखेंगे ऑटोमेटिक वाटर ऑन हो जाएगा, और जैसे ही इसमें पानी आ जाएगा वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे कुछ इसकी झलक देखो। गणितज्ञों को बुला रहे, गणित वैदिक गणित हमारे केपी सर ने और डीके सर ने सिखाया था, और उसकी थोड़ी सी झलक ये बच्चे बताएंगे। तो आमंत्रित करती हूँ कृष्णपाल जी, धर्मेंद्र सर और उनकी टीम। आदरणीय अतिथिगण, जैसे कि हम जानते हैं कि वैदिक गणित ये हमारी बड़ी प्राचीन विद्या है, और भैया बहन बहुत सारे हमारे विद्या भारती में, तो इसमें अखिल भारतीय स्तर तक कंपटीशन भी होते हैं, और प्रत्येक वर्ष हम ये भैया बहनों को सिखाते हैं। तो ये कुछ भैया बहन हैं जो बिल्कुल पहली बार इन्होंने सीखा है, तो ये कुछ प्रदर्शन भी वहाँ पर दिखाएंगे। इन्होंने जो सीखा है तो वो कितनी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं ये आप देखेंगे। तो मैं एक एक भैया को बुला रहा हूँ, वो अपना उसके हिसाब से बताएंगे। पहले बहन प्रीति, ये आपको एक गुणा करने की विधि है, एकाधिक एन पूर्वेण, तो ये आप बताएंगी, ये विधि आप देखें तो इसमें कितनी जल्दी कैलकुलेशन हो जाती है, कंप्यूटर से भी फास्ट कर सकते हैं। हाँ, और एक और बताओ, इसमें क्या जरूरी है ये आप समझ लें। इस विधि में क्या होता है कि इकाई के अंकों का योग 10 होना चाहिए और दहाई के अंक बराबर होने चाहिए। तो अगर ऐसी कोई भी संख्या है तो उसको आप 10 से 15 सेकंड में उसका आंसर लिख सकते हैं। इसमें इकाई के अंकों को हमें गुणा करना होता है और दहाई के अंक का एकाधिक करके उसमें गुणा करना होता है। जैसे आप पहले में देख रहे हैं, 8 से 2 में गुणा किया तो 8 दूनी 16 आ गया,
और ढाई का अंक चार है, तो चार का एक अधिक पांच हो गया, पांच चौक बीस, तो 10 से 15 सेकंड में हम इसको गुणा कर देते हैं। ऐसे ही अब दूसरे नंबर पर भैया ओम कृष्ण, ये भी आपको गुणा करना बताएंगे। इसकी दूसरी विधि है एक न्यूने पूर्वेण, तो ये आपको बताएंगे इसमें। इसके लिए जरूरी होता है कि उसमें इकाई के जो एक संख्या है उसमें सारे अंक तो 9 होने चाहिए, दूसरी संख्या में कुछ भी अंक हो तो उसमें अगर 9 के अंक हैं तो वो बिल्कुल सिंपल ही हो जाएगा। एक और अब ले लीजिए जिसमें दोनों अंक बराबर हो। एक दूसरा क्वेश्चन उधर ले लीजिए और जिसमें 9 के और वो दोनों अंक बराबर हो। इसमें जो पहली संख्या है उसका एक कम करके लिखते हैं, जैसे पहली संख्या 999 है, 999, तो उसका एक कम करके 998 आ गया। और जो आपकी दूसरी संख्या है उसमें से पहले वाली संख्या को जो एक न्यून करके आया है उसको माइनस करके लिख देते हैं, तो ये भी आपका कितना भी बड़ा कैलकुलेशन है वो इजीली हो जाता है। इसके बाद भैया प्रेम मिश्रा, ये आपको क्यूब करना उसको बताएंगे। जैसे ये संख्या 104 है उसका क्यूब, क्यूब लगाओ ऊपर। अब इसमें सीधा ये क्यूब आ गया और देखो कितनी बड़ी संख्या है, उसका क्यूब जो है इन्होंने 10 से 15 सेकंड में ये निकाल दिया। एक और कोई संख्या लिख के उसका क्यूब निकालो। इसमें सीधा क्या है कि आधार के जितने निकट संख्याएं होंगी, जैसे ये आधार इसका 100 है तो आधार की निकट संख्या प्लस जो उसका विचलन होता है, विचलन में क्या है आधार से जितना वो प्लस या माइनस है तो उसको 3 से गुणा करके पहले अंक पे लिखते हैं बाईं ओर और फिर बीच की संख्या में 3 गुणा जो विचलन है उसका स्क्वायर और तीसरा जो इकाई का अंक है वो विचलन का क्यूब, बस ये तीनों आ जाएंगे तो ये आपका क्यूब हो गया। इसके बाद ये नमिता, ये आपको बताएंगे स्क्वायर। चलिए अब ये जो बहन कनिष्ठा है ये अपना कुछ विचार ये बताएंगे जो इन्होंने सीखा है, तो ये आपको थोड़ा सा। मेरा नाम कनिष्ठा है, मैं कक्षा दशम बा की छात्रा हूँ। मैंने कैंप में वैदिक मैथ ज्वाइन किया था एंड वैदिक मैथ से हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। इससे हम मिनट की कैलकुलेशन सेकंडों में कर देते हैं और जो मल्टीप्लाई हमें 4 स्टेप्स में करना होता है उसको हम 1 स्टेप में फिनिश कर देते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वेब पेजेस के बारे में बताया, क्योंकि हमें पता है कि हम लाइफ में कुछ भी करें
किसी भी डिपार्टमेंट में जाए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाए, उसका एक साइट होता है, दैट साइट इज अ वेबसाइट, जहां से हम उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर हमें उससे रिलेटेड कोई फॉर्म फिल करना है तो हम उस पर रिस्पॉन्सिव फॉर्म्स की हेल्प से अपना इनपुट दे सकते हैं और उससे रिलेटेड हम आउटपुट भी लेते हैं, यानी कि हमें कोई मेल आता है या कोई हमें प्रोसेस मिलती है कुछ भी। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे कैसे चल रही हैं उसके बारे में हमने बच्चों को पूरा बताया। और ऐसा ही एक वेब पेज हमने देखी, ये एक वेब पेज है जिसके बारे में हमने इसमें बताया बच्चों को HTML लैंग्वेज के बारे में। HTML लैंग्वेज कितनी भी लैंग्वेज मार्केट में आ जाए, HTML को फिर वर्जन दे दिए गए, HTML 1, HTML 2, HTML 3, HTML 5, ये HTML 5 है। इसकी हेल्प से हमने बच्चों को ये बताया कि इंटरनेट पे जो वेब ब्राउजर पे जो पेजेस चलते हैं, जो आप वेबसाइट देखते हो डेली, क्या करते हो, गूगल करते हो, फटाफट से पोर्टल डालते हो, रन करते हो और एक पेज ओपन हो जाता है। दैट पेज कैसे डिजाइन हो रहा है, वो कैसे शो हो रहा है। अभी ये सिंपल सा पेज देखिए, इसमें हमने एक वेब पेज डिजाइन किया। अब ये देखने में आपको सिंपल लग रहा है, पर इसके पीछे जो कलर लगा है, इसके पीछे जो बटन डिजाइन हुआ है, इसके पीछे जो CSS लगा है, ये 150 ऑफ लाइंस का कोड है। तो उस 150 लाइंस को लिखने में बच्चों को कितना एक्सपीरियंस करना पड़ा होगा, कितनी सारी चीजों को समझना पड़ा होगा, वो ऐसा थोड़ी सी कोडिंग दिखाइए जरा, सर थोड़ी सी कोडिंग दिखाइए। रौनक उसके बाद आप अपना लैपटॉप ले आइए बेटा, कनेक्ट कर लो। जितनी भी आपकी कनेक्ट वो हुई है, इसके अंदर जितनी भी हमने समर कैंप एक्टिविटीज करी हैं, इस बच्चे ने उसके ऊपर ये वेब पेज पूरा प्रिपेयर किया। देखिए आइए बेटा प्रियांशी, एक बार अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, कमेर क्या क्या आपने इसके अंदर किया, कैसे आपको कितना टाइम लगा समझने में, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आई। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर एंड ऑल टीचर्स, माय नेम इज प्रियांशी गर्ग एंड आई एम स्टडीइंग 10th। तो मुझे 2 घंटे लगे थे इसे बनाने में और मेरे मतलब सर में भी दर्द हुआ था फर्स्ट डे, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज आई थी इसको लर्न करने में। तो हम लोग नोट करते थे कोड्स को, लेकिन अब हम बहुत ईजीली कर लेते हैं, हम लोग फ्यूलेंट बना लेते हैं, वेबसाइट बना लेते हैं, रन कर लेते हैं। तो इसको बनाने में हमें बहुत टाइम लगा था और इसको बहुत लेंदी हो जाता है, लेकिन हम लोग कर लेते हैं। फिर पार्वल मैम ने हमें बहुत इंकरेज किया और करण सर ने भी कि नहीं हो जाएगा इससे, तो हम कर लेते हैं, थैंक यू। ये लिंक्स पूरे चल रही है इस बच्चे के, इसने पूरी हाइपर लिंकिंग इसके अंदर दिखाई है और इसमें बेटा पूरा CSS यूज हुआ है। कम से कम भी ये इसकी एटलीस्ट 300 लाइन्स ऑफ कोड इस बच्चे ने लिखे हैं इसके अंदर। तो 300 लाइन शॉप के बारे में। अब अगर ये इन फ्यूचर कोई शॉप ओपन करता है और मोबाइल फोन की कोई टेक्नोलॉजी सीखता है तो वो अपना एक ऐसा वेब पोर्टल पूरा रन कर सकता है जिसे पूरी इंफॉर्मेशन वो पूरी मार्केट में शो कर सकता है। माय नेम इज जनक पांडे, आई एम स्टडीइंग क्लास 9B। शुरुआत में जब हमने समर कैंप में आए थे तो हमें हार्ड लगा था क्योंकि कोडिंग सीखना इतना ईजी नहीं होता, क्योंकि हमने सबसे पहले HTML स्टार्ट करा। HTML स्टार्ट करने में 1-2 दिन हमें हार्ड लगा, टफ लगा, लेकिन उसके बाद हमें इजीली हो गया, जिसके कारण हम अभी बना पा रहे हैं एक वेबसाइट। फिर हमने CSS सीखा, CSS में मुझे करीबन 3 दिन लगे सीखने में, उसके बाद फिर मैंने परफेक्टली करना कर पाया। फिर हमने JavaScript सीखा देन, और मैम और सर ने भी हमें बहुत मोटिवेशन दी। हम बोल रहे थे कि नहीं हो पाएगा और सर मुश्किल हो रहा है, तो सर मैम ने बोला कि हो जाएगा, कोशिश करते रहो, हार मत मानो, जिसके कारण हम अभी एक वेबसाइट बना सकते हैं। थैंक यू। अब जो है कार्यक्रम क्योंकि बहुत आगे बढ़ा गया है तो अब मैं सभी बच्चों का जो कार्यक्रम था सुपर से भी ऊपर था, आगे कुछ नहीं बोलते हुए सुमित्री जी को बुलाना चाहूंगी और लाइट कार्यक्रम समाप्ति की ओर है, और उसके बाद मैं राजेश सर को यहाँ बुलाना चाहूंगी ताकि समय की बचत हो सके, सूक्ष्म रूप से कृपया आभार व्यक्त करेंगे वो। आप मुझे समय समय पे गाइड करते रहते हैं और बच्चों आज प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, लंबा हो गया क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज
सीरीज कराई तो लंबा होना ही था। और मैंने यहाँ पे जो मैं बोलना चाहती थी कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए साथ में करने का, और एनर्जी स्पोर्ट्स में, मैथ्स में, इंग्लिश में, आर्ट्स में, सभी टीचर्स ने बहुत ही अच्छे से किया। और मुझे लगता है ये समर कैंप जैसा था और मिनी एनुअल डे जैसा हो गया, तो सभी टीचर्स को मैं कंग्रेचुलेट करती हूँ। और ये समर कैंप में जो आपने लर्न किया है इसको और आगे बढ़ाना है, सिर्फ यही नहीं, सिर्फ 10 दिन तक नहीं, आगे अपने पेरेंट्स को बताना है कि हमारे स्कूल में कितनी सारी तरह की एक्टिविटीज़ होती है। और मेरी सबसे शुभकामनाएं हैं, एक बच्चा ही नहीं, मैं कहती हूँ समर कैंप के सारे बच्चे आगे जाके भारत का नाम रोशन करेंगे और बाबूराव देवदास विद्या मंदिर शिखर पे पहुँचेगा। धन्यवाद। भारत आभार व्यक्त करने हेतु अपने आचार्य राजेश जी का अनुरोध करते हैं। 10 दिन चले इस समर कैंप में 9 विधाएं सिखाई गई भैया बहनों को। 9 विधाओं में नंबर 1 है कला, नृत्य, अंग्रेजी भाषा ज्ञान, शारीरिक, उसके बाद आपका गायन, वादन, आधारभूत विषय ज्ञान, तकनीकी ज्ञान, वैदिक गणित तथा कंप्यूटर शिक्षा। मैं अपने विद्यालय प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष श्रीमान रमन चावला जी, व्यवस्थापक श्रीमान रजनीश नारंग जी, व कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुनेत्री चौहान जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि वो उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमारे समर कैंप के जो समर कैंप का जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित हुए। मैं पूरे विद्यालय परिवार के ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही सभी जिन जिन आचार्य आचार्याओं ने इसमें कार्य किया उन सबका भी आभार, भैया बहनों का भी। और अंत में एक सूचना कि सभी आचार्य आचार्याएं 11:30 बजे अटल टिंकरिंग लैब ATL लैब में जो है एकत्रित हो जाएं, वहाँ पर कल के एग्जाम के बारे में कुछ ब्रीफिंग की जाए। धन्यवाद। वंदे।